रोज ही आवे तहसीलदार साहब अपन। एक मिनट जनाब, माइक नहीं कोसा जाएगा, हम भी किसान है, हम आपकी कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ लिखना नंबर एक, वो मैंने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से भारत सरकार को लिखवा दिया, उसका कोई जवाब नहीं आया, उसका एक लेटर और लिखवा दिया, दो रिमाइंडर उसके डाल दिए। वो तो सरकार का मसला है, कब काम होगा, मैंने अपना काम लिख दिया, कॉपी लिख दिया नंबर एक। डायरेक्टर एग्रीकल्चर से चिट्ठी बनवा के भारत सरकार को भेज दी, अब कब काम होगा, किसका काम होगा, वो सब अपना अपना, मेरा काम मैंने करवा दिया, उसकी कॉपी मैंने इनको भेज दी, वो दिन पहले भेज दी, बता दे मेरे पास पड़ी हुई। ये बात हुई सब, जो जो हमारी कम्युनिकेशन होगी ना आपको हम भेजते रहेंगे, ये बात हुई हुई है, यहाँ पे पंचायतें बात हुई है, जो भी हमारे लेटर होंगे ना आपको मीडिया भेजते रहेंगे, दो भेजे थे बस, लिख दिया। और मैंने उस दिन भी कहा था बीमे की बात, मैं तो ना झूठ की बात करता, मैं तो उस दिन भी यही कह रहा था बीमा मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, इसका किसी को नहीं पता। इतना मिलेगा थोड़ी है, वो तो बना के भेजा है। जैसे उसकी बात मेरी जो डांडी जी से बात हुई थी, उन्होंने जब यहाँ से जो क्लेम बना के जैसे गवर्नमेंट मान गई थी मंत्री जी के सामने, सेंटर में जाना था कंपनी को, अब कंपनी को पैसे देने वो क्यों जाएगी, उन्होंने वो केस डांडी जी ने पहले ही वहाँ डाल दिया है सेंटर को, उनको बुलाया, मीटिंग अभी हुई नहीं है, कब होगी उसका देखो, सेंटर लेवल का मसला है। मैंने तो अपना बात बताया था, मैंने वो काम करवा दिया था, एक वो किसी बाहर किसका था, अभय सिंह कोई था, किसका था वो, हाँ उसका मैंने, हाँ नहीं जिया का, वो मैंने मंगवा लिया है, उसका लिखित में आ जाएगा, मैं बता दूंगा, जो इंक्वायरी मैंने करी है उसमें अभी तक मुझे लगता है कंपनी की गलती है, जब डॉक्यूमेंट आ जाएगा उसको दे दूंगा, उसको कोर्ट में डाले, एक बार एक देखा मैंने अच्छी तरह, क्योंकि आसान नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप बैंक वाला को लेटर लिखो, बैंक वाला नहीं आता, मैंने अपने फार्मूले अपनाए हैं, मैंने बैंक वाले को लिखा नहीं आया, मैंने LDM के थ्रू उसको लिखवाया आया, तरीके हैं, टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि दो दिन में गया था, लेटरों का एक सिस्टम है, मैंने दो काम थे, मैंने अपने दोनों काम फिट कर दिए, वो कभी देख लेना आगे, हाँ वो अभी मैं आपको बच्चे भी दे दूँगा, आपका काम हो गया, बिल्कुल। अब जबकि मैं DDA साहब की रंग कम्युनिकेशन हो रही कंपनी का, वो भी दे दें डॉक्टर, अभी तो ऑफिस में बात हो गई है, ऑफिस में ले लेंगे, ये तो कोई इशू थोड़ा है, मना तो किया ही नहीं, दूसरी बार बात हो गया, नायब साहब ने देखेंगे, सुनो बैठे वहाँ भी है, दिक्कत थोड़ी है, रोड जाम तहसीलदार साहब कह के बड़े तलो आप आज हटे नहीं पर अब एक मिनट पर के किसम खा गया जहाँ जब तक CTM और SDM और ये चेहरा तो रोज ही आवे पदाधिकारी की मान लगते है ना देखो ऐसा है मैंने अभी बताया CTM साहब और SDM साहब के बारे में जो बात करनी है अधिकारियों से करनी है DDA और ये आए हुए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मसला है उसके सारे अधिकारी यहाँ आए हुए हैं अगर SDM और DC या CTM से कोई बात पड़ती है कोई हल होता हो तो बात अलग है अब एक मांग है जी वो लेटर वो दे दो देखो वो लेटर जो हुआ है ना कम्युनिकेशन वो दे दो दे दे कम्युनिकेशन वाला आपको दे देंगे दे दे ठीक है ये जब एक बार मैं कह रहा हूँ वही बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ कोई बात अलग सुनो कुछ नहीं जोड़ेगा नहीं नहीं आप अरे भाई बात ये नहीं है एक मिनट रुको अरे जिस दिन अनशन तोड़ा था वो क्या कह रहा था मैं एक किसान का बेटा हूँ किसान का बेटा है ना तो आज यहाँ आया क्यों नहीं 12 बजे तक उसको SDM कह रहे हैं साहब तुम चले जाओ CTM कह रहे हैं टूट जा आपको बताइए के जवाब देगा
जवाब रोड़ा तो है नहीं, जवाब कौन मिले, रोड़ा जवाब को नहीं, रोड़ा तो है। अब भाई इस तो रोज ही देखा अपने भाई है, अरे सारा सारा क्या मैं खेती आ रहा, मैं तारा किसान भाई है, तो सीटीएम और डीसी है एस डी एम अपने किसान भाई दो रहो तो सुनी देखा किसान दौड़ा हो रही है बैठ के, अरे मैं तो काड़ा पड़ गया दादी शकल देख ला दौड़ा किता रहो, नहीं नहीं आज नहीं जाऊंगा और कोई जाना चाहता हो तो जाए, मैं यहाँ सोऊंगा चाहे पुलिस उठा के लेके जाए, ये अपने एक बात और बता देता हूँ अपने पदाधिकारियों को, ये अपने आज यहाँ से चले गए ना तो अपने साथ ये किसान भाइयों के साथ खिलाड़ हो रहे रोज का रोज, हाँ बिल्कुल रोज अपनी दुकानें छुट्टे पड़ रही है नहीं जाएंगे आज जब तक सीटीएम या एसडीएम आए या नहीं आएगा वो किसान का बेटा यहाँ से नहीं लेंगे और आज लिखित में लेके ही हटेंगे। बिल्कुल बंद कर दे ना अपना आपने ये नहीं कहा ना तो धरती माँ पे बैठ जाओ ऐसे मैंने ये बात नहीं लौटो दे हम बैठते हैं बूढ़ा पे चलो नीचे ये नहीं कहा तो मेरे कागज जो है आपके मैं जो भी आपकी कमियां है वो मैं पूरी करवा के ऊपर भेजूंगा ये मैंने कहा था, मैंने ये नहीं कहा कि आपका 30 तारीख को मुआवजा आ जाएगा। देखो क्या बात कही जी 15 तारीख तक 15 तक मैंने आपके सारे कागज ऊपर भेज दिए, ये कहा था हमने, ये जरूर कहा था कि मैक्सिमम आपका 10 जुलाई तक कोशिश है कि शायद आपका आ जाए, ये मैंने कहा था आ जाए हम प्रयास कर रहे हैं ये कहा था मैंने, और आपका कॉटन का छोड़ के बीमा आ भी गया वो क्योरीज लगा रखी थी, क्योरी कई ढंग की थी भाई, सही क्रॉप कटिंग नहीं करी, वहाँ पे मंडलों के साथ छेड़छाड़ कर दी या पहले काट ली पहले चुगाई कर ली इस टाइप से, हमने उन सब का जवाब बना के चंडीगढ़ भेज दिया था, ठीक है। वहाँ पे हमारी जो स्टेट लेवल कमेटी वहाँ उसमें पुटअप हो गया, स्टेट लेवल कमेटी में जो हमने जवाब दिया तो उसको मान लिया था, हमें ये सही कहे कंपनी वाले कर दे, ठीक है। वहाँ पे वहाँ जीत के अपने को क्लेम बन के 15-20 दिन के अंदर आ जाना चाहिए था, ठीक है। कंपनी ने क्या करा ऊपर फिर ऊपर आईआरपी लगा दी कि नहीं जी हमें संतुष्ट हुए जो ये डिसीजन दिया है, वो फिर अभी जाएगी टेक्निकल कमेटी, टेक्निकल कमेटी में कुछ सेंटर के बंदे होते हैं कुछ अपने एसीएस अपने हरियाणा सरकार के कुछ कंपनी के होते हैं, उसकी मीटिंग के बाद ये डिसीजन होना है, तो लगभग जो स्टेट लेवल का डिसीजन होता है वो टेक्निकल में वही होता है, तो अब अपना जो भी बीमे का जो इशू है जो हमारे जो रह रहे हैं वो टेक्निकल जो कमेटी में पास होने के बाद आएगा, तो ये हो गया टेक्निकल पॉइंट हो गया, उसमें मैंने तो अपना जो प्रोसेस तो कर दिया ये बात की, ठीक है। अब आपको कत्ते को मीटिंग मीटिंग की तौर बता दो कत्ते को ये कह रहे हैं भाई किसके कारण रुके हैं किसके ये तो बताओ क्या क्या एक ना एक मांग अपनी से ये आप बार बार भी कहते रहे जो जो प्यूरी लगी थी और जो जो आपने रिजोर की है वो वहां से लेके अब तक की हमें आप आपने पिछले 15 दिनों में क्या क्या लेटर भेजा है और क्या क्या उनका रिप्लाई आया है
वो हमें सारे वो पत्र चाहिए सीधी बात। वो जो आपने कार्रवाई डाली है ना वो कॉपी दे दो हमें सारी सीधी बात है। वो आप जब से दे दो चौथे महीने की एक तारीख से दे दो चौथे महीने की एक तारीख से छठे महीने के 30 तारीख तक जो आपने पत्राचार किया कंपनी के साथ और कब कब आपने कंपनी के जो अपने अधिकारी हैं चंडीगढ़ उनसे क्या बात की है अगर उन्होंने आपकी फोन पे बात हुई तो ये बता दे फोन पे बात हुई है ये बात की है वो सारी जी वो हमारी दिखा दे बस ये मान लो ठीक है। और एक ये जो बीमे की है ना जो 21 और 22 की गाइडलाइन क्या गाइडलाइन हुई है एक वो हमें अधिसूचना चाहिए। ऐसा है पहले आपने कुछ डिमांड मांगी थी हमने आपको अगले दिन दे दी थी याद है आपने याद है ठीक है। एक ब्लॉक की आपने लिस्ट दी थी दे दी थी ठीक है जो भी आपने रिकॉर्ड चाहिए सुनो इससे संबंध आपने जो भी रिकॉर्ड किए जो भी पत्राचार किया है हमने आप मंडे को कोई भी दो आदमी आ जाना हम आपको सारा दे देंगे कोई इशू नहीं उसकी पीडीएफ बना के भेज दूंगी हमें हम लिख के दे देंगे आपको जो जो मांग रहे हैं एम्बुलेंस निकालना एक बार आप आ जाना उसमें सारा दे देंगे क्या दिक्कत है मैं चढ़ बैठ गया हड़ताल पे बैठे तो सारे तो नहीं बैठे दो आदमी आ जाओ किसी को भेज दो नुमाइंदे को दे देंगे फोटो कॉपी करके आपको सारी दे देंगे जो जो आपने चाहिए सारी दे देंगे आपके अधिकारी दे देंगे यहाँ पे कृषि अधिकारी है कृषि किसानों के लिए जिंदाबाद।